हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं वैनम के 20th पार्ट में, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, कार्नेज हार चुका है और मेकर भी वहां से भाग जाता है। यहां पर मेकर कह रहा है, एडी ने एक बार फिर से इस दुनिया को बचा लिया, जो मेरे लिए और मेरे प्लान्स के लिए एक फेलियर है। और वो यहां से भाग रहा है एक नाले के बीच में से। वो कह रहा है कार्नेज जो एक मॉन्स्टर था वो मर चुका है, उसके साथ जो कोडेक्स थे वो भी खत्म हो चुके हैं, और जो मैंने मशीन बनाई थी कोडेक्स को खींचने वाली वो भी खत्म हो चुकी है, और जो कोडेक्स मैंने बचाए थे अपने प्रोजेक्ट ओवरसाइट के लिए वो वैनम ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं। यह एक बहुत ही बड़ा नुकसान है मेरे लिए। बट इसी बीच मुझे काफी चीजें नई देखने को मिली जब मैं वेयर हाउस के आसपास की सिक्योरिटी फुटेजेस देख रहा था, और वो यहाँ पे देख रहा होता है डायलन को जो अपनी शक्तियों का यूज कर रहा है। वो कहता है ये काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर वो किसी से बात कर रहा है जो उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है वो बच्चा क्या है बायोलॉजिकली। तो वो कहता है हाँ मुझे थोड़ा सा पता है, जब मैंने उसका ब्लड सैंपल लिया था तो मुझे इतना पता चला कि वो एक लिविंग कोडेक्स है, जैसे कि होता है जब एक एलियन मिलता है आकर मनुष्य में। पर मुझे जो लगा था वो बच्चा उससे भी ज्यादा है। पुराने टाइम में हमने देखा था कि सिम्बेट बिना किसी पैटर्न के आते थे और अपना होस्ट चुन लेते थे, पर जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे इतना पता चला कि वो तभी स्पॉन करते हैं जब इनको किसी खतरे का पता होता है, और जब भी उनके हाइव को खतरा होता है तब भी इनकी तादाद बढ़ जाती है। और वो यहाँ पे उनको एक्सप्लेन करता है कि उनके आने की टाइमिंग क्या क्या थी। तो वो बताता है कि जब थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करना शुरू किया तब भी इनकी स्पॉनिंग हुई, तब सिम्बेट कार्नेज को प्रोड्यूस किया गया था। ऐसे ही वो यहाँ पे बाकी सुपर हीरोज का भी बताता है कि जब जब ऐसे इवेंट हुए उन्होंने खुद को रिप्रोड्यूस किया। और वो कहता है अभी हमारे पास है स्लीपर जो कि है यंगेस्ट चाइल्ड वैनम का, और मुझे लगता है कि इसका कनेक्शन सीधे उस ग्रैंडल ड्रैगन से है और कलेक्टस कसैडी के रीबर्थ से। उसको आगे से जवाब आता है कि हमें तो ये पता लगा था कि वैनम सिम्बेट का कट ऑफ हो गया है अपनी हाइव से, और अगर नहीं भी हुआ था तब भी वह उनकी स्पीसीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मेकर कहता है यह सही है। तो वो पूछते हैं फिर ये उस चाइल्ड के साथ कोरिलेट कैसे हुआ। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि अभी वैनम सिम्बेट खुद को बाकी के सिम्बेट जैसा नहीं मानता, वो समझता है कि वो एक अलग है। तो इससे ये क्वेश्चन उठता है कि उसको ऐसा डेंजर क्या लगा जो उसने उस डायलन को बनाने का सोचा, हमारे लिए ऐसा क्या आ रहा है। यहाँ पर हम बाकी के सुपर हीरोज के पास पहुँच चुके हैं जो पुलिस के साथ बातचीत कर रहे हैं। एडी कहता है सभी समझ रहे हैं कि मैं एक हीरो हूँ, पर मैंने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया है। नल अभी फ्री है और वो आजाद है, वो अभी धरती की ओर आ रहा है और इसका जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे अपने बेटे और दुनिया के बीच में से कुछ चुनना था तो मैंने चॉइस चुन ली। अभी वो डायलन को कहता है तुम जाग रहे हो। वो कहता है पता नहीं मुझे कुछ सपना आ रहा था। वो उठता है और वो कहता है मुझे नॉर्मी से मिलना है। तो एडी कहता है तुम ठीक हो। वो कहता है मुझे भी पता नहीं। एडी कहता है कोई बात नहीं, हमारे साथ जो सब हुआ मुझे खुद उसमें काफी टाइम लग गया अपना दिमाग संभालने में। तभी डायलन कहता है तुम मुझे क्यों नहीं चाहते थे, तुमने मुझे अपने पिता के पास क्यों छोड़ दिया। वो कहता है डायलन ये सच नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डायलन कहता है वो मुझे पीटता था, उसने मुझे बहुत दुख दिया, मैं उसको नहीं रोक सकता था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम सभी लोगों को बचाते हो पर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और वो दोनों रो देते हैं, वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और एडी कहता है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा हमेशा के लिए मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, और जब भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा मैं तुम्हारे लिए हाजिर रहूंगा। अभी हम प्रॉमिस करते हैं कि हम कोई भी सीक्रेट नहीं रखेंगे। डायलन अपनी पावर्स के बारे में सोचता है जो उसने यूज करी थी, और वो कहता है हाँ हम कोई भी सीक्रेट नहीं रखेंगे। ओके, पर उसने अभी तक एडी को ये बताया नहीं है। एडी कहता है चलो हम इस वेयर हाउस से बाहर जाते हैं और कुछ अच्छा सा खाना खाते हैं, और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे जो भी हमारे साथ हुआ, और शायद ना भी करें अगर तुम नहीं चाहते। तो डायलन कहता है क्या तुम मुझे एक बात बताओगे, क्या तुम मुझे मेरी मदद के बारे में बताओगे। तो एडी उसको बाहर ले जाते हुए कहता है हाँ जरूर। यहाँ हम फिर से मेकर के पास पहुँच चुके हैं। वो जिससे भी बात कर रहा है वो उसको कहता है जैसा कि तुमने देखा मेरे पास अभी वो कोडेक्स नहीं है रिसर्च के लिए, तो मुझे उस बच्चे पर नजर रखनी पड़ेगी। तो उसको जवाब मिलता है अच्छा तो तुम्हें पता है ना तुम्हें एडी ब्रोक और उसके बच्चे की इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी थी। तो मेकर कहता है हाँ मुझे पता है। तो वो कहते हैं इस सब का प्रोजेक्ट ओवरसाइट से क्या लेना देना है। तो मेकर कहता है अच्छा तो वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो एक मशीन के पास जाता है और वो कहता है
है। जैसे कि आप में से कुछ लोगों को पता है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि मैं ओपन कर सकूं डायमेंशनल रिफ्ट को अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में। अब तक मैं उसमें फेल हो गया हूं। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ट्रैवल करने से मेरी बॉडी और ब्रेन पर क्या हाल हुआ है। पर मेरे लास्ट अटेम्प्ट में मुझे कुछ पता चला। मैंने नोटिस किया कि मेरे ओरिजिनल यूनिवर्स से जो सिम्बिट है वो अभी भी सही सलामत है और वो कहता है इससे मेरी रिसर्च और ज्यादा बड़ी। और मैंने देखा कि चाहे ये सिम्बिट सिंथेटिक ही क्यों ना हो इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये एक डायमेंशनल रिफ्ट को भी सहन कर सकता है। ये ऐसा है कि शायद ये बनाया ही इसीलिए गया। और मैं चाहता था कि जो मैंने कोडिसिस कलेक्ट करे हैं मैं उनसे इसको रिपेयर करूंगा, पर अभी मुझे लग रहा है मुझे अपने प्लान चेंज करने पड़ेंगे। तो वो उसको जवाब देता है वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसका मतलब अगर तुमने इसको रिपेयर कर लिया तो तुम रिफ्ट को पार कर पाओगे बिना खुद को हार्म किए। वो कहता है हाँ। तो वो कहता है काउंसिल इसको अप्रूव करती है और हम देखते हैं ये है काउंसिल ऑफ रीड्स। यहाँ पे अलग अलग रीड्स हैं। वो कहते हैं वैसे मेकर तुम्हें यहाँ पे इसीलिए एक्सेप्ट किया गया था ताकि तुम अपने होम वर्ल्ड को दोबारा से रीस्टोर कर सको। इस काउंसिल में से कोई भी रीड इस बात पर कतई भी राजी नहीं होगा कि कोई भी यूनिवर्स ब्रोकन हो। इस काउंसिल का कोई भी रीड अभी तक फेल नहीं हुआ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो जब तुम एक बार अपने होम वर्ल्ड में चले गए, क्या तुम उसको वापस लेके आ सकते हो? तो मेकर कहता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा और इसमें काफी ब्लड भी बहेगा, पर मैं ऐसा जरूर करूंगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।